जै डुगर जै जम्मू में सुदर्शन भार्गव तुस दिखा दे एस बी कठुआ। बिल्कुल ये तुसी जिहड़ी वीडियो दिखा दे तुहानू पता नेशनल हाईवे ग्रैंड प्लाजा होटल दे बिल्कुल सामने, जियां तुसें पता जिल्लै बारिश होंदी है तो वह जिहड़ी सड़क है जिहड़ी वह एक नहर टाइप बनी जांदी है जिस च आए दिन गड्डी ने कोई ना कोई फसदी है। तो इं राती जियां संदीप मजोत्रा जिहड़े कठुआ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ने बहुजन समाज पार्टी के जिले अपनी कंपेन करिए लखनपुर साइड का वापस आवा दिखे एक गड्डी फसी पानी च और जिहड़ा ड्राइवर है वो बोला दा कि मी कड्डो बार, लेकिन जिले संदीप मजोत्रा दिखे गड्डी फसी दी है। संदीप मजोत्रा और आपू गड्डी थल्ले उतरे और उनके जिहड़े वर्कर है सारे थल्ले उतरी है और उसी गड्डी उन्हें धक्के मारिए बाहर कढ़िया। ताहीं लांदे ने समाज सेवक हो तो संदीप मजोत्रा जैसा, बिल्कुल उन्होंने राती इन्नी मदद करिए उसी कारी बाहर कढ़िया। और तुस देखो एस बी कठुआ जी। नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, जय भीम, जय भारत। आज हम लोग अभी एक मीटिंग करके यहाँ से आ रहे थे जबकि बारिश की वजह से जो एक तो बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई जिसकी वजह से यहाँ पे जल भराव हो गया था रोड पे और एक गाड़ी थी जो स्ट्रक कर गई, उसके साथ एक फैमिली भी थी, उनके साथ छोटा सा बच्चा और एक लेडी थे जो ड्राइवर था, यहाँ पे फंसी हुई हालत में थे। जेसीबी आई, उन्होंने ट्राई करा लेकिन वो गाड़ी फंस चुकी थी जिसकी वजह से वो निकल नहीं पा रही थी। तो अभी हमारे जितने भी युवा हैं, यूथ है यहाँ का कठुआ का, हम लोगों ने आके उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करी और उनको रेस्क्यू करके अब आपके सामने रवाना करा है। बस मानवता की सेवा में लगे हुए हैं, बस यही इंसिडेंट था। और अच्छा लगता है जब यूथ का सपोर्ट मिलता है, जब लोग लड़के अपनी आप को मतलब लोगों को समर्पित करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं तो बहुत खुशी होती है। और मेरे कठुआ का यूथ है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। आपके माध्यम से बाकियों को भी कहना चाहूँगा, जहाँ कहीं भी किसी को दिक्कत मिले, प्रॉब्लम में कोई मिले तो हाथ ज़रूर बढ़ाइए एक मदद का। देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कठुआ की जनता अपना विश्वास दिखाती है, अपना प्यार दिखाती है, ये सारे इश्यूज हमारे नोटेड हैं। जब भी कभी ये कठुआ की ही नहीं, यहाँ हटरी मोड़ की ही नहीं, ये कालीबड़ी की भी बात है, वहाँ पे भी जल भराव होता है। हम लोग वहाँ पे भी, वहाँ का यूथ जो है वो शाना बशाना लोगों की हेल्प आउट के लिए बरसात में खुद रात को दिन को निकल के आता है। ये सारे मुद्दे हैं, ये टैकल किए जाएंगे और जल्द से जल्द इनका हल, क्योंकि ये जो टोल लगाए हुए हैं अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जो क्वेश्चनेबल, ये एक ड्रॉबैक है, क्वेश्चन है, तो उसको जरूर लिया जाएगा और इसके ऊपर कार्रवाई बहुत जल्द की जाएगी। सिर्फ एक मौके की तलाश है, एक उम्मीद है, कठुआ की जनता ये मौका देगी और कठुआ की जनता के लिए ये सारे प्रश्नों के जवाब हम लोग जरूर लेंगे।